खबर रांची से जहां ईडी की स्पेशल कोर्ट में आज छवि रंजन को पेश होना है और पहुंच चुके हैं छवि रंजन। पेशी के लिए रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है, इसकी वजह से उन्हें पेश होना था। ईडी ने छवि रंजन को अब तक दो बार रिमांड पर ले चुकी है, पहले 6 दिन फिर 4 दिन की रिमांड पर रह चुके हैं छवि रंजन। जमीन से जुड़े घोटाले में छवि रंजन से पूछताछ हो रही है। आज कोर्ट में पेश हो रहा था छवि रंजन को, पहुंच चुके हैं छवि रंजन। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं छवि रंजन। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी, जमीन से जुड़े घोटाले में उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने वालों को मदद पहुंचाने के आरोप में 4 मई को दोबारा पूछताछ के लिए छवि रंजन को समन भेजा था। उसके बाद फिर आज कोर्ट में पेशी है, कोर्ट पहुंच चुके हैं छवि रंजन। आप ही तस्वीरें देख सकते हैं, आपको सीधे दिखा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं छवि रंजन। रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, इसलिए उन्हें आज कोर्ट में स्पेशल ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश होना था और छवि रंजन पहुंच चुके हैं। आज ईडी उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर मांग कर सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान जी। इमरान, आज ये छवि रंजन की जो अवधि है रिमांड की, वो खत्म हो गई है और उन्हें कोर्ट में पेश होना है, वो पहुंच भी चुके हैं, तो क्या लगता है ईडी दोबारा उनकी रिमांड मांग सकती है या फिर दोबारा उन्हें जेल भेजेगी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से जमीन से जुड़े मामले पर ईडी की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। जांच के क्रम में ईडी की जो टीमें हैं उन्होंने छवि रंजन को दो बार अब तक रिमांड जो है वो ले चुके हैं, क्योंकि पहले बार जब रिमांड लिया गया था तो 6 दिनों का लिया गया था। 6 दिनों की रिमांड लेने के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में उस वक्त पेश की गई और पेश करते ही उसके बाद फिर से 4 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो ईडी ने मांगा था, जिसके बाद ईडी को मिला भी और 4 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर के आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में दोबारा से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को आज यहाँ पे पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी इस पूरे मामले को लेकर के, जो कि जमीन से जुड़े और सेना और निजी जमीन पर जिस तरह से गड़बड़ियां हुई है और गड़बड़ियों की जांच पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही है, तो इस पूरे मामले पर ईडी का रुख क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब छवि रंजन की अरेस्टिंग की गई थी उस वक्त ही ईडी के तरफ से 10 दिनों की रिमांड की जानकारी जो है वो मांगी गई थी, रिमांड मांगी गई छवि रंजन की, और अब तक जो है 10 दिनों की रिमांड पूरी हो चुकी है। पहली बार छह दिनों की रिमांड अवधि में लेकर के पूछताछ की गई और जब दूसरी बार रिमांड लिया गया तो 4 दिनों का रिमांड लिया गया, जो कि आज समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से जो ईडी के अधिकारी हैं वो 2 से 3 दिनों की रिमांड अवधि मांग सकती है। हालांकि देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख होता है, क्या रिमांड वापस से दिया जाता है या फिर नहीं, या फिर इस पूरे मामले पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा और फिर बाद में ईडी को ये सुविधाएं प्रदान की जा सकती है कि आप जेल में जाकर के छवि रंजन से पूछताछ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। फिलहाल जिस तरह से सेना के जुड़े जमीन और निजी जमीन से जुड़े जो मामले पर जिस तरह से ईडी के द्वारा दबिश दी गई थी, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही अब तक जब 10 दिनों तक इस पूरे मामले में पूछताछ किए जा चुके हैं तो कई खुलासे जो है वो सामने नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जब कल ही इस पूरे मामले में सोमवार के दिन जब ईडी के अधिकारी जब बिरसा मुंडा कारा जेल पहुंचे थे और वहां के जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पता चला कि जब छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई तो उसके ठीक देर शाम में ही प्रेम प्रकाश जो है वो छवि रंजन से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो इस तरह के कई बिंदु है जिनके सवाल अब भी खंगालने बाकी है। प्रेम प्रकाश वह व्यक्ति है जो इस जमीन से जुड़े मामले में मास्टरमाइंड और धोखाधड़ी के करने का आरोपी के रूप में
ईडी मान रही है और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के ही जो कार्रवाई है वो अब देखना होगा कि प्रेम प्रकाश के साथ बातचीत के अंश को दिखाते हुए ईडी की टीम जो है एक बार फिर कोशिश करेगी कि छवि रंजन को रिमांड में लिया जा सके और फिर आगे 2-3 दिनों तक पूछताछ की जा सके। हालांकि पहले ही ट्रम में ईडी ने 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी थी, जो कि अलग अलग दो पार्ट में ईडी को 10 दिनों की रिमांड अवधि मिल गई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे रिमांड मिलता है या फिर नहीं। लेकिन छवि रंजन पर दबिशे जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में जो जानकारी मिल रही है कि छवि रंजन जो है पूरे मामले पर ईडी के अधिकारियों से बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं दे पाए हैं, तो इसके को लेकर के आज ईडी के समक्ष अपनी पूरी जो रिमांड आएगी की जानकारी जो है वो ईडी कोर्ट में पेश करेगी और बताएगी कि किस तरह से पूछताछ के दौरान किन किन तत्वों को निकाला गया है, किन किन तत्वों की जानकारी छवि रंजन के द्वारा दी गई है और किन तत्वों को निकालने अभी बाकी है, जिन पॉइंट्स को बाकी है उसी पॉइंट को आधार बनाते हुए, ग्राउंड बनाते हुए दोबारा से रिमांड लेने की कोशिश ईडी के अधिकारी करेंगे। शायद ये देखने वाली बात होगी कि आज रिमांड दोबारा मिलता है या फिर नहीं, या फिर न्यायिक हिरासत में छवि रंजन को भेजे जाएंगे। ये सारी चीजें अब से कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगी। फिलहाल ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं छवि रंजन, और फिलहाल सुनवाई की जो प्रक्रिया है ये चल रही है यहाँ पे। जी जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जमीन से जुड़े घोटाले में उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और छवि रंजन पहुंच चुके हैं स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए। आज ईडी मां उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर मांग कर सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।